Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we are taking fifth video of how to fill the correct form of the verb. आज जो हम है फिफ्थ वीडियो देखने वाले हैं किसका, कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिल की जाए. सही, तो ये देखने वाले हैं. इसमें आज हम जो है वो फ्यूचर सिंपल देखेंगे. फ्यूचर सिंपल हम कब फिल करेंगे, उसके लिए कुछ एडवर्ब्स है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए. अगर उन एडवर्ब का यूज़ सेंटेंस में हो रहा है तो हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे. तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ सेंटेंस हैज़ फॉलोइंग एडवर्ब, कि अगर एक सेंटेंस में ये जो नीचे दी गई एडवर्ब्स है, ठीक है ना, जैसे कि टुमोरो, नेक्स्ट ईयर, इन फ्यूचर, फ्यूचर शोइंग ईयर एटसेट्रा. फ्यूचर शोइंग ईयर कैसे, 2021, 2025, ये फ्यूचर शोइंग ईयर, मतलब ये अभी चल नहीं रहा, आगे चलकर भविष्य में ये वर्ड्स आएंगे, तो इसलिए इनको फ्यूचर शोइंग ईयर कहा गया. टुमोरो का मीनिंग आप सब जानते हैं कि आने वाला कल, नेक्स्ट ईयर अगला वर्ष, इन फ्यूचर का मतलब भविष्य में. अगर इन एडवर्ब्स का यूज़ सेंटेंस के अंदर हो रहा है तो वो सेंटेंस फ्यूचर का है. अगर वो फ्यूचर का है तो हम उसमें फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो. अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल. तो इसमें मैंने बताया कि हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर सिंपल का. फ्यूचर सिंपल में किसका यूज़ किया जाता है, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल शैल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है फ्यूचर सिंपल में. एग्जाम्पल है, आवर स्कूल डैश ब्रैकेट में गो ऑन टू नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट मंथ, कौन से मंथ, नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ. अगले मंथ जो हमारी स्कूल है वो क्या करेगी, जाएगी कहाँ पर, टूर के ऊपर. तो अगले मंथ जाएगी तो फ्यूचर है, फ्यूचर है, नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है. ध्यान रखना ये नेक्स्ट आना चाहिए उसमें, नेक्स्ट ईयर हो जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, गॉट इट. तो इस प्रकार से, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा आवर स्कूल विल गो, कि हमारी जो स्कूल है वो जाएगी. आवर स्कूल विल गो ऑन टू नेक्स्ट मंथ, कि हमारी स्कूल अगले मंथ टूर पे जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल, आई डैश ब्रैकेट में डिपॉजिट माई फीस टुमोरो. टुमोरो मीन्स आने वाला कल, ठीक है ना, फॉलोइंग डे, जो आगे आने वाला है. तो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि आने वाली कल की बात हो रही है, तो हम जो है इसमें किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर सिंपल. और फ्यूचर सिंपल का मीनिंग है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो आई के साथ में शैल, आई शैल डिपॉजिट, आई शैल डिपॉजिट. तो ये हो जाएगा आई शैल डिपॉजिट माई फी टुमोरो, कि मैं कल अपनी फ़ी डिपॉजिट करवा दूंगा. तो ये हमारा सेंटेंस हो गया. तो आपको समझ में आया होगा, वापस से रिपीट कर देता हूँ. आई रिपीट अगेन, If a sentence has following adverb such as tomorrow, next year, in future, या फिर future showing year है, example है 2021, 2025, okay, then we shall fill the blank with future simple. तो हम उसमें जो है future simple का use करेंगे. Got it? तो अब हम इसमें next देख लेते हैं कौन सा है. Yes. Now see. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस. तो अब हम जो देखने वाले हैं वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस देखने वाले हैं. क्या है इसमें देख लेते हैं. इफ़ अ सेंटेंस हैज़ फ्यूचर सिंपल एडवर्ब, टुमोरो, नेक्स्ट, इन फ्यूचर एटसेट्रा विथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस एडवर्ब, फॉर एग्जाम्पल नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट एटसेट्रा, वी शैल फिल द ब्लैंक विथ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, विल शैल बी वर्ब प्लस आईएनजी. तो क्या मीनिंग है कि एक सेंटेंस जिसमें फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब आ रही है. फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब कौन सी है, जो कि हमने अभी जस्ट इससे पहले भी देखी थी और इसमें भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे टुमोरो, नेक्स्ट, जिसमें नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, लाइक दैट, ओके, इस प्रकार से. तो टुमोरो है, नेक्स्ट आ रहा है, इन फ्यूचर दिया हुआ है वर्ड, ठीक है. और इसके साथ साथ में, मतलब ये एडवर्ब तो आनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की एडवर्ब भी आनी चाहिए. और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की जो एडवर्ब है वो कौन कौन सी है, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एटसेट्रा. अगर ये भी है, मतलब कि कहने का सीधा मतलब है कि फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब प्लस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की एडवर्ब, जब दोनों एक साथ एक सेंटेंस में आ रही है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वहां पे आप जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का. कब, जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की एडवर्ब प्लस फ्यूचर
सिंपल के एडवर्ब दोनों ही साथ में हो तो हम उस सेंटेंस में जो यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस मीन्स विल शैल बी वर्ब में आईएनजी। एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। यू डेस ब्रैकेट में वॉच दिया हुआ है, दिस सॉ एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मीन्स इस वक्त, इस टाइम, इस समय, इस वक्त। टुमोरो मीन्स कल। कि क्या कह रहे कि यू डैश वॉच दिस शो एट दिस टाइम टुमोरो। एट दिस टाइम का मतलब इस वक्त, टुमोरो मतलब टाइम तो जो है वो इस वक्त का है लेकिन आज नहीं, कब, कल। वो कह रहा है कि इस वक्त लेकिन कल, कल के समय। तो ये हो गया सेंटेंस जो हो गया, इसका मीनिंग जो है वो क्या निकलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे एट दिस टाइम भी दिया हुआ है, टुमोरो भी दिया हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल एडवर्ब भी आ रही है और फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब आ रही है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब है, फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है, दोनों एक साथ आ रही है। तो हम उसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस फिल करेंगे तो यू के साथ में विल, विल के बाद में बी और उसमें वर्ब में आईएनजी। तो ये हो गया वॉचिंग। इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। यू विल बी वॉचिंग दिस शो एट दिस टाइम टुमोरो, कि आप देख रहे होंगे इस शो को इस वक्त कल। तो क्या हो गया कि आप देख रहे होंगे इस शो को इस वक्त कल, मतलब इस वक्त टाइम तो यही रहेगा लेकिन आज नहीं, कल देख रहे होंगे। इसलिए इसमें जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस का। नेक्स्ट देखिए, वी डैश सेलिब्रेट योर बर्थडे नाउ नेक्स्ट मंथ। कि क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारा बर्थडे, कब, इस वक्त अभी, लेकिन नेक्स्ट मंथ करेंगे तो अभी समय यही रहेगा लेकिन अगले मंथ में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा वी शैल बी, वी शैल बी सेलिब्रेटिंग, वी शैल बी सेलिब्रेटिंग। तो वी शैल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे नाउ नेक्स्ट मंथ, इज दैट ओके। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की अब इसमें बात करने वाले हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट। तो हम अब जो है फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे हम फिल करेंगे वो देख लेते हैं, वो कौन सी एडवर्ब्स होगी जिनकी पहचान करके हमको फ्यूचर परफेक्ट फिल करना होगा। इफ अ सेंटेंस हैज फ्यूचर सिंपल एडवर्ब आफ्टर बाय, कि क्या कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल एडवर्ब आ रही है आफ्टर बाय, किसके बाद में, बाय के बाद में, मतलब बाय के बाद में फ्यूचर सिंपल के एडवर्ब्स हमको दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है बाय टुमोरो, बाय नेक्स्ट ईयर, या बाय नेक्स्ट मंथ, या बाय नेक्स्ट वीक एटसेट्रा, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, या फिर बाय 2025 ये ईयर दे रखा है। तो यहाँ पे फ्यूचर का कोई सा भी ईयर हो सकता है बाय के बाद में, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ लिखे हैं मैंने। इस प्रकार से अगर कोई एडवर्ब दे रखी है बाय के बाद में, फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब आ रही है तो उस रिक्त स्थान में, उस ब्लैंक के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट फिल करेंगे, ध्यान रखना। तो वी शैल फिल द ब्लैंक विथ फ्यूचर परफेक्ट, वी शैल हैव वी थर्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है बाय टुमोरो। बाय टुमोरो मीन्स कल तक, वैसे टुमोरो का मतलब कल होता है लेकिन बाय लगने की वजह तक हो जाएगा, वो डेडलाइन फिक्स हो जाता है कि इस समय तक हमको वो काम कंप्लीट करना होगा। तो बाय का मतलब तक, बाय टुमोरो मीन्स कल तक, बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष तक, गॉट इट, बाय 2021 इसका मतलब क्या हो गया, बाय मतलब 2021 तक। तो बाय टुमोरो आई डैश डिपॉजिट माई फी, कि मतलब कि कल तक मैं अपनी फीस जमा करा चुका होऊंगा, ये इसका मतलब। तो यहाँ पे बाय टुमोरो है इसलिए आई के साथ में किसका यूज करेंगे, आई शैल, ठीक है। उसके बाद में हैव और इसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, तो आपका हो गया बाय टुमोरो आई शैल हैव डिपॉजिटेड माई फीस, कि कल तक मैं अपनी फीस है वो डिपॉजिट करा चुका होगा या मैंने करा लिया होगा कल तक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मतलब। शी डेस रिसीव हर पेमेंट बाय नेक्स्ट वीक, कि वो रिसीव कर चुकी होगी, क्या रिसीव कर चुकी होगी, अपना पेमेंट, कब तक, अगले वीक तक, बाय नेक्स्ट वीक, कब तक, अगले वीक तक। तो अगले वीक तक वो क्या कर चुकी होगी, अपना पेमेंट रिसीव कर चुकी होगी, प्राप्त कर चुकी होगी। तो इसमें भी जो है यूज होगा वो किसका यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल हैव, सी विल हैव, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब रिसीव्ड,
शी विल हैव रिसीव्ड हर पेमेंट बाय नेक्स्ट वीक, कि वो अगले वीक तक अपना जो पेमेंट है वो रिसीव कर चुकी होगी। ये आपको समझ में आया होगा, ओके? तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टेंसेस, हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि टेंसेस में जो हम देख रहे हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिल कैसे की जाए, तो इसमें मैंने सभी टेंसेस को इंक्लूड किया है। और अगर आप इसको रियली में समझना चाहते हो ये कैसे फिल हो रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी कि पीछे जितने भी वीडियो बताए गए हैं इससे रिलेटेड वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगे। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर, ये फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश लीव स्टडीज़, कि क्या कह रहे हैं, अगले ईयर तक। कब तक? अगले ईयर तक, बाय नेक्स्ट ईयर, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया भी एग्जांपल इससे पहले कि बाय के बाद में फ्यूचर एडवर्ब दी हुई है, नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, तो हम इसमें जो है किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का, विल शैल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा ही, इसके बाद में विल, हैव, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट। तो ये हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव लेफ्ट स्टडीज़, मतलब अगले ईयर तक वो क्या कर चुका होगा, अपनी स्टडीज़ को लेफ्ट कर चुका होगा, छोड़ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ से जुड़ा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया भी था। इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई इन द स्काई, कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा इफ से कनेक्टेड है और जो यूज़ हो रहा है वो वर हो रहा है, और वर जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पास्ट सिंपल। इसका मतलब इफ से कनेक्टेड है, पास्ट सिंपल आ रहा है, तो हम इसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको रूल बताया हुआ है, वो रूल आपको याद करने होंगे। तो इफ़ आ रहा है और इसमें किसका यूज़ हो रहा है, पास्ट सिंपल का, मतलब वॉज वर आ रहा है, तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे आएगा वुड फ्लाई, वुड फ्लाई, तो आपका सेंटेंस हो गया इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कि क्या कह रहा है कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता स्काई में, कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं कहाँ फ्लाई करता, स्काई के अंदर फ्लाई करता। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश चेंज माई हाउस नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, और जो फ्यूचर एडवर्ब है उसके साथ में न तो बाई है ना ही कोई दूसरी एडवर्ब है, तो इसका सीधा मीनिंग है कि हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई शैल चेंज, आई शैल चेंज, कि मैं चेंज करूँगा, आई शैल चेंज माई हाउस नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले मंथ मेरा जो हाउस है वो चेंज कर दूंगा। आई वंडर वॉट ही डैश स्पीक नाउ, नाउ अभी नाउ है, नाउ मीन्स अब भी, इस वक्त, इस वक्त की जब बात हो रही है, नाउ की जब बात हो रही है, तो मैंने बताया था आपको कि जब नाउ आ जाए, दिस डेज आ जाए, ठीक है, तो नाउ डेज आ जाए, तो हम उसमें जो है किसका यूज़ करते हैं, इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी, मीन्स टू से प्रजेंट कॉन्टीन्यूस का हम यूज़ करते हैं, और जैसा कि नाउ यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसमें प्रजेंट कॉन्टीन्यूस फिल करेंगे, और इज आर एम वर्ब में आई एन जी, तो ही के साथ में इज और इसमें आई एन जी लग जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग नाउ, तो क्या होगा, आई वंडर वॉट ही इज स्पीकिंग नाउ, कि मैं चकित हूँ कि वो बोल क्या रहा है इस वक्त। फिफ्थ देखिए, वी डैश नॉट वर्क ऑन संडेज, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जब भी कोई भी डे है वीक के, जो भी दिन है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जो डे है उस डे के आगे एस और लग जाए, जैसे संडे तो संडेज कर दे, मंडे तो मंडेज कर दे, ट्यूसडे तो ट्यूसडेज, तो मीनिंग जो है ना उस एस की वजह से इसका जो मीनिंग है वो निकलता है एवरी संडे। जैसे ही डे के बाद में एस लगे तो वो एस जो है वो एवरी के लिए लगाया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एवरी संडे। मंडे होगा तो क्या हो जाएगा, एवरी मंडे, जिसको हम मंडेज भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो है ये क्या है, एवरी संडे, मतलब कि प्रत्येक रविवार को, ठीक है ना, एवरी संडे, एवरी संडे भी लिख सकते हैं या फिर संडेज भी लिखा जा सकता है। तो जब हम एवरी की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, एवरी की बात करते हैं, तो उसमें किसका यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है प्रजेंट सिंपल का, और प्रजेंट सिंपल में किसकी यूज़, किसका यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो डू डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि नॉट का यूज़ करना है, जब नॉट का यूज़ करना है तो हमको डू या डज भी लेना पड़ेगा, और वी के साथ में डू लेंगे, डू उसके बाद में नॉट और वर्क ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वी डू नॉट वर्क ऑन संडेज, कि हम संडेज को क्या नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। सिक्स देखिए, आई डैश रीड
एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज, फिर से आ गया यहाँ पर दीज डेज। तो यहाँ पे देखिए नाउ बता दिया मैंने ऊपर, अब दीज डेज आ गया, इससे पहले मैंने नाव डेज की बात की थी, ठीक है। कंस्टेंटली हो, स्टिल हो, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, मतलब इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी। तो हमारे जो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो एम लग जाएगा आई एम, और वर्ब में लग जाएगा रीडिंग, आई एम रीडिंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ एक रोचक नॉवल को, इन दिनों मैं एक रोचक एक इंटरेस्टिंग नॉवल रीड आउट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। सेवन देखिए क्या है, दे डैश लिव हियर सिंस 1954, कि वो सिंस 1954 दिया हुआ है, तो सिंस या फोर के बाद में समय दिया हुआ है, तो हम उसमें जो है किसका यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि सेंस और फोर के बाद में समय दिया हुआ है, जिसमें किसका यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का। तो ये हो जाएगा दे हैव बीन, दे हैव बीन, और वर्ब में आई एन जी लग जाएगी, दे हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज होता है, हैज हैव बीन, वर्ब में आई एन जी। तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1954, कि वो यहाँ रहते आ रहे हैं, कब से, 1954 से। एट देखिए, आई डैश वेट फॉर यू ऑल द मॉर्निंग, ये भी समझने वाली बात है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो वापस बता रहा हूँ कि जैसे लिखा हुआ जाए ऑल द मॉर्निंग, या ऑल द इवनिंग, या ऑल द डे, ऑल द वीक, मतलब ऑल द साथ में लगा हुआ है, तो इसका भी मीनिंग जो है वो सिंस और फोर वाला ही है। ध्यान रखना ऑल द के बाद में टाइम लिखा हुआ है, ऑल द डे, ऑल द मॉर्निंग, ऑल द वीक, ऑल द ईयर, तो भी आपको किसका यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का। किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, कब, जब ऑल डे के बाद में डे का नाम लिखा हो या टाइम दिया हुआ हो, ओके। तो ऑल द मॉर्निंग का मतलब पूरी सुबह, तो मैं पूरी सुबह इंतजार कर रहा था किसका, आपका। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग, ओके। तो मैं इंतजार कर रहा था पूरे दिन भर किसका, आपका, सॉरी पूरी सुबह आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ, पूरी सुबह मैं आपका क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। ये स्टार्स बना देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको बताया इस पे ध्यान देना, कि ऑल द मॉर्निंग लिखा हो, ठीक है, ऑल द इवनिंग, या ऑल द डे, ऑल द ईयर, इस प्रकार से वर्ड लिखा हो तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कोलंबस डैश अमेरिका ब्रैकेट में डिस्कवर है, एडवर्ब कोई नहीं है, अब इसमें क्या फिल करें। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोलंबस की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, डिस्कवर लिखा हुआ है, डिस्कवर का मतलब खोज, कि मतलब ये क्रिया है, तो मतलब कोलंबस ने ये क्रिया की है खोजने की, किसको, अमेरिका की, कि कोलंबस ने खोजा अमेरिका को, ये बात किसकी है, भूतकाल की, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य है, हम सब जानते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो इसमें डिस्कवर्ड आ जाएगा, किसका यूज़ होगा, डिस्कवर्ड, क्योंकि ये सेंटेंस ही अपने आप में पास्ट है, क्योंकि कोलंबस ने खोज की अमेरिका की, ये वर्तमान की बात है नहीं, ये भूतकाल की बात है, ये पास्ट में हो चुका है, ये पास्ट की क्या है, फैक्ट है, पास्ट का एक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। By the end of the year, 5,000 people dash bracket में see this exhibition. Exhibition का मतलब होता है प्रदर्शनी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है by the end of the year, मतलब कि इस वर्ष के अंत तक, जब तक ये वर्ष खत्म होगा ना, उस समय तक 5,000 जो लोग हैं वो क्या कर चुके होंगे, देख चुके होंगे इस एग्जीबिशन को। तो यहाँ पे बाय के साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस वर्ष के अंत तक, तो अभी वर्ष अंत नहीं हुआ है, तो उसके अंत तक लगभग 5,000 जो लोग हैं वो इस एग्जीबिशन को देख चुके होंगे, तो इसमें यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होगा तो पीपल है, तो विल लिखेंगे विल, उसके बाद में हैव, और इसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। तो ये आपका हो जाएगा कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 5,000 पीपल विल हैव सीन दिस एग्जीबिशन, कि मतलब कि इस वर्ष के अंत तक लगभग 5,000 जो लोग हैं वो इस एग्जीबिशन को देख चुके होंगे। आई थिंक यू हैव गॉट इट, यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड इफ यू डोंट देन आई रिक्वेस्ट यू टू सी द वीडियो अगेन। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।